हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राम राम जी सबको। सो गाइस, आज मैं आ गई हूँ पाव स्टार पवन सिंह का। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग सॉन्ग है ये, और जिस टाइम पे ये सॉन्ग आया था उस टाइम पे मैं थोड़ा बिजी थी। सो गाइस, मैं बात कर रही हूँ धनिया ऐजान सॉन्ग की। और गाइस, ये सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा सुनने में मुझे, और देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है ये सॉन्ग। गाइज, आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है। देखिए कैसे हुआ पवन सिंह का धनिया ए जान गाने का रिकॉर्डिंग। गाने में कितना मेहनत करते हैं हमारे पावर स्टार पवन सिंह। सो गाइज, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक बने रहो, देखते हैं क्या कुछ है। लेट्स गो। क्या गाना है यार, कर करिया हो जो रियल स्ट्रगल है वो देखो। ऊपर वाला ट्राई करें अभी, या पहले अंतरा ले लें? नहीं नहीं पहले सब का वाला। तबोला काका हम कह दी रोपनिया ये जान, हल्का हिलल बा। तबोला काका हम कह दी रोपनिया ये जान, कितना स्ट्रगल है। तबोला काका हम कह दी रोपनिया ये जान। इसका ठीक है, प्रॉपर सही है आपके हिसाब से? एक लेते हैं उसके हिसाब से, एक एक और लेते हैं। इतना हार्ड वर्क होता है। तो जो इतने सारे सॉन्ग गाने के बाद, इतना ज़्यादा मतलब इतने ट्राई के बाद फाइनल हमें सॉन्ग सुनने को मिलता है। जान पे जा गया है। आइए आटा चाउर से तो भरल बा घरवा, रूप देत बानी महवी चाटा मतरवा।
मरीचा में गायकी जो सीधा रख खाली इंडिंग में रख दीजिए गायकी ठीक है बेटा। बाकी लाइन से एक नंबर है यार, बहुत ही अच्छी लाइन। आटा चावल से ठीक है बेटा, बहुत ही पोलाइटली बात करते यार। आटा चाउर से तभारल बघरावा, रूप दित बानी मारी चाटा मटरावा टरावा। कुछ चेंज कर दीजिएगा तो नन मानी मारी चाटा मटरावा टरावा, मानी मारी चाटा मटरावा टरावा ऊपर से टरावा। अच्छा लगे रूप दित बानी मारी चाटा मटरावा। सेकेंड वाला लोग पहला हो गए सो गाइस, जो रियल स्ट्रगल होता है, जो रियल हार्ड वर्क होता है, वो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से एक सॉन्ग को रिकॉर्ड किया जाता है और कितने बार टेक करना पड़ता है, कितनी बार ट्राई करना पड़ता है। जो कि यार हमें ऐसा लगता है कि यार इनके लिए सब चीज़ें इतनी आसान होती होंगी कि मतलब हमेशा से इतने सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, गाना गाते हैं, तो इनके लिए कुछ इतना हार्ड नहीं होता होगा। लिरिक्स देखते होंगे और फटाफट, बट ऐसा नहीं होता है। आप अपना कितना बेस्ट देते हो वो चीज़ दिखती है सॉन्ग में, और ऑडियंस को इस इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। सो लाइव रिकॉर्डिंग देख करके आप सभी ने देखा होगा कि चीज़ें इतनी ज़्यादा इजी नहीं होती जितनी देखने में लगती हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं हमारे पावर स्टार पवन सिंह, और उसका जो रिज़ल्ट है वो आता है। ऑडियंस इतना प्यार देती है और उनके सॉन्ग्स आते ही ट्रेंडिंग में छाते हैं, ये उनका हार्ड वर्क है। सो गाइस, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और आप सभी का क्या ओपिनियन है इस वीडियो के रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, लव यू ऑल।